अब तक जो भी मैच खेले हैं आशुतोष, उनमें दिखाया है उन्होंने जबरदस्त जोश। जी हां दोस्तों, आईपीएल के 17वें सीजन में पंजाब किंग्स टीम का सफर अब तक भले ही निराशाजनक देखने को मिला हो, लेकिन उनकी टीम का अहम हिस्सा बन चुके और सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने वाले 25 साल के खिलाड़ी आशुतोष शर्मा अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित करने में जरूर कामयाब हुए हैं। आशुतोष को गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच में आईपीएल में डेब्यू करने का मौका मिला था, जिसके बाद से उन्होंने अब तक 4 पारियां खेली हैं, जहां उन्हें नंबर 8 की पोजीशन पर बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। आशुतोष ने इस दौरान अब तक 52 के औसत से 156 रन बना दिए हैं। वहीं उनके बल्ले से मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच में 61 रनों की शानदार पारी भी देखने को मिली, जिसमें वह आईपीएल के 17 साल के इतिहास में एक खास रिकॉर्ड को भी बनाने में कामयाब हो गए। दोस्तों, आशुतोष शर्मा आईपीएल के 17 साल के इतिहास में पहले ऐसे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने एक सीजन में नंबर 8 की पोजीशन पर खेलते हुए 100 से अधिक रन बनाने का कारनामा किया है। वहीं राशिद खान के बाद आईपीएल में आशुतोष ये कारनामा करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। उनसे पहले साल 2023 में खेले गए सीजन में राशिद खान ने नंबर -8 या उससे नीचे की पोजीशन पर बल्लेबाजी करते हुए 100 से अधिक रन बनाए थे। आशुतोष ने अब तक इस सीजन 4 पारियों में 205.26 के स्ट्राइक रेट के साथ रन बनाए हैं, जिसमें उनके बल्ले से 9 चौके और 13 जबरदस्त छक्के देखने को मिले हैं। बता दें कि आशुतोष को पंजाब किंग्स की टीम ने इस सीजन को लेकर हुए आईपीएल ऑक्शन के दौरान 20 लाख रुपए के बेस प्राइस में अपनी टीम में शामिल किया था। दोस्तों, साल 2023 में खेली गई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में आशुतोष शर्मा रेलवे की टीम का हिस्सा थे, जिसमें उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में सिर्फ 11 गेंदों में अर्धशतक लगाने के साथ युवराज सिंह के T20 क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक लगाने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। आशुतोष ने इस मैच में 12 गेंदों में 53 रनों की पारी खेली थी। इस दौरान उनके बल्ले से 8 छक्के और 1 चौका देखने को मिला था। आशुतोष के T20 करियर को देखा जाए तो उन्होंने अब तक 19 मैचों में 33.82 के औसत से 575 रन बनाए हैं, जिसमें 5 अर्धशतकीय पारियां भी शामिल हैं और उनका स्ट्राइक रेट भी 200 के करीब का देखने को मिला है। उनकी इस तेजतर्रार बल्लेबाजी के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपके अनुसार उनको जल्द ही भारतीय टीम में शामिल किया जा सकता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।